रहने दो यार, काले पीले आते हैं आज। अरे हम खुद काम कर रहे हैं यहाँ पे बाइक पे, तुमने बोला ना गाड़ी का। ए, ये काम कर रहे हैं, फोन पे बातें कर रहे हैं। What's up guys? Welcome back to the channel. बहुत अरसों के बाद में आया हूँ मुझे पता है, लेकिन देखिए ऐसा है कि बहुत सारी चीज़ें इस दौरान हुई है घर में जो मैं शेयर भी कर सकता हूँ और कुछ चीज़ें ऐसी है जो शेयर नहीं भी कर सकता हूँ। तो बहाने हैं कुछ बीच में, बट कुछ चीज़ें सही भी हैं। अब बहाने तो चलो वो तो हमेशा रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन मैं क्या सोच रहा हूँ अब मैं 5-5 मिनट की सही हफ्ते में दो वीडियोज डालूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि एक तो आ रहा है हमारा ट्रैवल सीज़न, ठीक है। तो ट्रैवल सीजन में जब हम वीडियोस बनाएंगे तो उनको डालने की आदत भी होनी चाहिए और आप लोगों को देखने की आदत भी होनी चाहिए। वीडियो से याद आया, तो वीडियोस में ना बहुत सारे लोगों की जरूरत होती है आजकल। तो हमारे पास दो ऐसे भाई हैं जिनसे मैं अभी आपको मिलाने वाला हूँ, जिसमें से एक को तो आप बहुत वैसे जानते हो, दोनों को बहुत अच्छे से हो, लेकिन एक है हमारे कपूर साहब, हमारे बेस्ट ट्रैवल पार्टनर भूसा बॉय, और एक है हमारे राम कपूरी मिस्टर भोली, जो हार्ले लेके कहीं भी नहीं जाना पसंद करते हैं। और उनके साथ हमने करोड़ों प्रोग्राम बना दिए हैं, उनमें से एक या दो ही रोड ट्रिप आज तक हो पाई। हैशटैग माउंटेन्स आर कॉलिंग एंड आई मस्ट गो वाला सीजन आ गया है, तो एक तो ऑब्वियसली हम लोग लद्दाख जाने वाले हैं। इस बार ना बहुत सारे लोग हैं जो लद्दाख जाने के लिए तैयार हैं, उनमें से हम तीन भी हैं। तो मैंने तो अपनी बाइक ऑलरेडी पहले तैयार कर ली थी, PPF वगैरह करा लिया था, कपूर साहब की बाइक भी ऑलरेडी तैयार है, अब रहती है भोली भाई की बाइक तैयार होने के लिए। और हार्ले में तैयार होने के लिए मेजर कुछ नहीं होता, हार्ले के बस पेच कसने होते हैं। तो हमारे भोली भाई आए हैं आज हमारे कपूर साहब के घर, क्योंकि उनका बेसमेंट में हम लोग आजकल बहुत ही खौफनाक और बहुत ही खतरनाक कारनामे कर रहे हैं, तो अपने पेच टाइट कराने आए हैं। इसी बहाने थोड़ी वार्तालाप हो जाएगी, और उनको आजकल चुनौती है एक नई रोड ट्रिप करने की टिहरी डैम की इतनी गर्मी में, जिसके लिए मैं ऑब्वियसली आउट हूँ, बट आज थोड़ी सी लेनी देनी होगी सबकी। सो चलिए इस चैनल को कंटिन्यू करते हैं और ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। I'm all the sins that you can't confess. I'm just your ghost if we're not undressed. A part of me wish that we never met, but you act like we never. Got too wasted in the bathroom of your parents' house. Now you kissed me in the backseat of a taxi ride. And we said things that were cheesy, but we meant them. There were feelings, and now you deny it. कहीं ना जाओगे तुम, कहीं ना जाओगे। वीर जी से बात हो गई है, वीर जी कह रहे हैं मेरे को मंडे ऑफिस अटेंड करना भैया, संडे रात में तक पहुंचना है वापस। माय गॉड, तो हम दो का तो हो गया रेडी, और सर नहीं रेडी, और आप तो मैं तो कहीं नहीं जा रहा इस बार, उठा लिए जाओगे। मैंने यही बता रहा था, मैंने कहा ये भूल गए 9 तारीख की अष्टमी है, कोई भी कहीं नहीं जा रहा। अरे पंडित जी आप कैसे भूल सकते हो ये या ना, इस बार अष्टमी माता से हम वही मनवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। भाई डील तो तभी होगी जब तुम लद्दाख जाओगे भोली पे। गाड़ी की बात तो करी हुई है आपने, ये खामोशी सुनी होगी ना यहाँ पे चारों तरफ, ये इस बंदे की बात की खामोशी है। आज मैं व्लॉग कर रहा हूँ तुम्हारा, सिर्फ तुम्हारा। कर लो व्लॉग, क्या हो गया, झुके क्यों खड़े हो? सर पकड़ रखा है ना हमने अपना इंडिकेटर बाइक का। 1.25 साल हो गया इसको लटके हुए, ज्यादा ही हो गया, और कम तो खैर नहीं हुआ। ये खोल रखा है, 1 साल तो हमें मसूरी गए हो गया, ये खोला हुआ है समझे, लटका नहीं है, ये खोला हुआ है। टाई बेल्ट मैंने बांधी थी इस पे, पिछले संडे भी बांधी थी। ये खोला हुआ है, ये देखो हमने अभी खोला है इसको, जस्ट इससे खोला है, पेच से नहीं खोला है, पेच है ही नहीं, पेच से खुलेगा कैसे? पेच वो रखे ना उस साइड में, झूठ क्यों बोल रहे हो ब्लॉग में? सिर्फ मैं जाऊंगा और कपूर साहब जाएंगे, तुम देखते जाओ बस, 2-3 दिन जा रहे तुम्हारे, फिर तुम्हारे टूवी में आग लगेगी भैया। ऐसा है फालतू नहीं बोलने का, ऐसा है संडे तक जैसा है संडे को। एक्सक्यूज मी, आप पे हवा भरने का सौदा है? हाँ बस ठीक है, मुंह से फूंक मारेंगे उन पे, सौदे होता है जुगाड़। हवा हम भरवा देंगे उसकी टेंशन मतलब। मैं 94 और 93 आपको इसी महीने माउंटेन्स आर कॉलिंग में लद्दाख में मिलेंगे। इतने कट कैसे लगाऊंगा मैं।
हम लद्दाख में मिलेंगे आपको जी। वो हमें वो डाला ना हैशटैग माउंटेन्स आर कॉलिंग एंड आई मस्ट गो, अब तो वही वाला चल रहा है। टी शर्ट बनवा दें आपकी, आप तो जान ही रहे हो। बुरसेट बुरसेट बनवा देंगे आपकी। बाइक का लोगो यहाँ पीछे है, दो टायर नीचे, बेहतरीन बनेगा एकदम, बेहतरीन वाली। इन्होंने नई कंपनी ज्वाइन करी ना, इनके पास दो कंपनियां हैं। तो कैसे मारते हैं इतने झूठी कौन से वाले ये तो भैया अगले ने बोला मेरे को, इतनी बातें कहां से पकड़ते हैं ये, लाते हो बनाते हो। हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग है अपनी प्रोडक्शन अलग है इनकी। हाँ तुम बताओ, मैं कैमरा लगा के तुम्हारे मुंह पे छोड़ दूंगा आपकी अगली ट्रिप में। इनके पास ना दो ही कंपनियां है, एक एससी है और एक वो कौन सी है वो एरिक्सन। हाँ तो ये क्या करते रहते हैं, इनकी ना दोनों जगह मैनेजरों से सेटिंग है। मैं यहाँ का माल वहाँ दूंगा, वहाँ का माल यहाँ दूंगा, छह महीने में यहाँ करूंगा, छह महीने में वहाँ। ये रिजाइन करवाया, रिजाइन ये केस करवाया ये मैं अकेला मैं कोर्ट की डेट पे क्यों जाऊं, और क्या तुम भी चलो। परेशान हो रखे हम। ये है जुपिटर 60,000 रुपए की, मात्र 70 की ले लो, 80 की ले लो, लाख की ले लो यार, तो ठीक है कोई सीट नहीं ली इसकी। उसके बाद ये है बूसा 18-18.5 लाख रुपए की, इसकी भी कोई सीट नहीं हिल रही है। फिर ये महंगी महंगी बाइक है जो कि भाई ये बाइक कितने की ली थी तुमने, बहुत सस्ती है 12-13 लाख रुपए की, 12-13 लाख की ले लो। ये देखो ये जब चलते हैं पता नहीं क्या तभी तो मटकते हैं लेफ्ट से राइट। तुम्हारा कोई पेज ठीक है, मैं वैसे बता रहा था कि हम लद्दाख की तैयारी कर रहे हैं, तो मैंने पीपीएफ करा ली, कपूर साहब ने पीपीएफ करा ली, लेकिन भोली पीपीएफ की जरूरत ही नहीं है, इसका सिर्फ पेज की जरूरत है। हमें बोल्ट टाइटनर चाहिए साथ में बस। लोग रुक के अपनी अपनी बाइक चेक करते, तुम तो पेज चेक करोगे कौन सा गिर गया है ना। यही करना पड़ता है यही। ये सारे लोग जब मैं फर्स्ट टाइम गया था ना, तो मैं क्लच वायर लेके गया था पल्सर की, तो ये क्या लेके जाएंगे, पेज 12 नंबर का, 10 नंबर का, इतना बड़ा टूल बॉक्स जिसके अंदर बोल्ट, 13 नंबर, 10 नंबर, और सबसे ज्यादा टाई बेल्ट। टाई बेल्ट तो पूरा पैकेट देखो है, ये सिर्फ इस बंदे के लिए यूज होता है। बोल्ट बड़ा नहीं हो गया कपूर सर, ये तरफ तक बाहर तक दिख रहा है पूरा। छह घंटे हो गए घूमेगा यार तुम। काम नहीं मैं ना वही घूम रहा है ऊपर ऊपर का, ये नहीं घूम रहा है।